प्रधान संस्था स्वरूप हूं। इस करके ये कोई व्यक्ति विशेष की इज्जत नहीं, एक संस्था की इज्जत। लोग आने हैं, प्रधान बनने हैं, जाने हैं, लेकिन ये संस्था हमेशा रहनी है। इस करके ये संस्था सर्वोच्च है और इन्हें यदा बढ़ता आदर मान सम्मान हमेशा मिली है। कांग्रेस उम्र का कोई तकाजा नहीं, एक पदवी है जिसकी इज्जत है और सब उस कुर्सी के थले रह के काम करना पड़ेगा। लेकिन व्यक्तिगत तौर के उत्ते मेरा यह विचार है कि कांग्रेस को रीइनवेंट करना पड़ेगा। राजे की जी सरप्रस्ती है एक युवा ऊर्जा का प्रतीक है, लेकिन एक समेल टीम गेम, एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे की सफलता दे विच अपना हिस्सा पाना। दुख तो बहुत शरीक हो जाते हैं, लेकिन खुशी शरीक होना बहुत जरूरी है। उस खुशी को अपनी खुशी मानना यह भी बहुत जरूरी है। सब तो जड़ी अहम गल मैं अच्छ करना चाहना, जो मैं कहना कि कांग्रेस नवीनीकरण करना पैना। कांग्रेस अगर एनालाइज करूगी, और मैं पहला बिल्कुल नहीं बोलिया, हर बंदे को अधिकार है बोलने का, लेकिन अज मैं डंके की झोट पर कहना कांग्रेस हारी तो 5 साल के माफिया राज करके हारी। उस माफिया के खिलाफ मैं लड़ता रहा। वो माफिए के खिलाफ लड़ाई किसी निजी बंदे नाल नहीं सी, वो एक सिस्टम सी, वो चंद बंद की तजारत सी, चंद बंद का धंधा सी जिहड़ा स्टेट को दीमक वांग खा रहा है। वो चीफ मिनिस्टर इनवॉल्व सी, बीत गए, चले गए, गुम गए, समझे नहीं। जब तक राजनीति व्यापारी बन के रहेगी उसकी इज्जत नहीं होएगी, क्योंकि अगर तुम राजनीति का धंधा बना के अज पंजाब दे विच खड़े हो जाओगे तो जिहड़ा स्टेट का एक्सचेकर है उन्होंने निजी जेबां च पाउण लग जाओगे तो या पंजाब रहेगा या माफिया। अज भी उस पंजाब के अस्तित्व की लड़ाई है, किसी पद की नहीं। यू सारे लोग समझ गए, समझते हो। जिदन ये माफिया मुकया, पंजाब जिदन माफिया मुक्त होया, उस दिन पंजाब उठ खड़ेगा। और जब तक इस माफिए के नाल लिप्त लोग, और बड़ा डूंगा है जिमें बोर्ड का पेड़ होंगे ना, उनकी जड़ा होंगे ने नीचियां तो उपरों मुछा भी पा के थले आ जाए, इनू पटना औखा होंगे। लेकिन जड़े सूबे नू जान तो वध प्यार करने वाले ने, इश्क करने वाले ने, वो लड़ते रहेंगे बगैर किसी नफे नुकसान का सोच रखी। सो एक जड़ी अहमियत वाली गल सी, अज जड़ी सरकार आई भी है वो इसे बदलाव करके है। पौने 5 साल उही चेहरे सी, तो जिहड़े मुख्यमंत्री सी वो ये कहिंदे सीगे भी आ हो रहा सीगा, मेरी गलती है, मैं रोकिया नहीं। क्यों रोकिया नहीं? चलाउण वाले तुसीं। उदों बाद भी जिहड़े चेहरे आए किंतु परंतु सी, जिन्हां ने सत्ता माणी निजी स्वार्थ करके अगर ना माणी हुंदी और सूबे दे लई पॉलिसियां नीतियां लियांदियां होण, उही इस सरकार ने। मैं भगवंत नूं छोटा भाई मानदा, अगर वो माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि सिस्टम बड़ा गहरा है, तुणके वजनगे, जे तो तुणके खांदा रहा फिर तो गल होर है। जे आपदे निज ईमानदारी और ईमानदार है वह, मैं वो कदे उंगल नहीं कीती, अगर वो ये खिलाफ लड़ेगा मेरा सहयोग है पार्टियां तो उत्ते उठ के, क्योंकि लड़ाई पंजाब के अस्तित्व की है, पंजाब की एग्जिस्टेंस की, और पंजाब की एग्जिस्टेंस इस चीज़ से डिपेंडेंट है। और वो रोड मैप जोड़ा है वो उ है, जोड़े लोग निजी शराब बेचते सी उन्होंने तो खोनी पैनी, क्योंकि वो इनकम पंजाब रेत जो सप्लाई रोक दूंगे अच्छ 12,000 की चलानी, वो एक पॉलिसी बनानी पैनी है। नीतियां के नाल ही पंजाब उत्ते आएगा, और नीतियां ईमानदारी नैतिकता मॉरल अथॉरिटी। जे तुसी ओपोजिशन च भी हो, मैं लास्ट गल कहन लग्या, उस तो बाद सवाल मैं ना करो ना, क्योंकि मैं जो गल कहनी है मैं कह देना। मैनू कदे जिंदगी दे विच कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। भय उसे नूं हुंदा है जिहड़ा अंदरों घबराया हुंदा है ईडी तो, होर चीज़ा तो। जी मॉरल अथॉरिटी है, ईमानदारी है,
सच की राह वाले तो चुनने वाली कदे घबराने इस करके ओपोजिशन च भी अगर कोई रह सकता है और तगड़ा रह सकता है उन्होंने नैतिकता की ताकत चाहिए नहीं तो पराए पुत पार्टी जी टां करके बांह रोक दिया इतने वाले ही देखियो तुम्हें किन्न के खाते खुलने आवाज़ नहीं आती उन्होंने फिर कहना मानसा मानसा फिर ऐ होंगे समझो इस करके अगर सवाल भी करने हैं और अगर पंजाब नूं संवारन दे नीतिगत तरीके नाल उत्ते लिया पॉलिसी बजटरी एलोकेशन पंजाब के पैसे पंजाब देखे जाने तो फिर मॉरल अथॉरिटी चाहिए है सवाल भी वह कर सकता जो ईमानदार हो इस करके आने वाला समा ईमानदार है पचास साठ ऐसे लीडर कांग्रेस जिन्हें लोग भरोसा करते हैं कि लोगों लगे हाँ वाकई ही बदलाव है ये वो व्यापारी नहीं गए ये वो रेता बेचने वाले नहीं गए और ये वाकई ही पंजाब की उसारी दे मैं राजे ने यह कहा कि परमात्मा मैं तेरी खुशी च बहुत श्री मैं बहुत बधाइया दिना और आस करता परमात्मा से बहुत तरक्या बख्श दिलों दुआ कर इस करके आने वाला समा यह दस देगा कि राजे का कि सहयोग कौन कर रहा क्योंकि संगठित हुई शक्ति जित का कारण है विभाजित हुई शक्ति पतन का कारण है मेरी लड़ाई संगठन नाल ना सी ना है ना रहेगी मेरी लड़ाई माफिया नाल है ये लड़ाई नेकी बदी की है लड़ाई धर्म धर्म की है यह लड़ाई पंजाब दे पक्षी ते स्वै निज स्वार्था ना बन्ने हुए लोगों की वो सौ ने ते पंजाबी 3 करोड़ है मैं 3 करोड़ वाल खड़ा।